हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पनीर चीज सिगार बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी और आराम से बनने वाला है। बच्चे इसे बहुत लाइक करते हैं, उन्हें आप टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फीडबैक कमेंट देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो बनाने की। और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। पनीर चीज सिगार बनाने के लिए हमने इस तरह का समोसा पट्टी लिया है, इतना पतला। ये मार्केट में इजीली आपको कहीं भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। ये हमने चीज को ग्रेट करके लिया है। ये पनीर है, पनीर को भी हमने ग्रेट कर लिया है। ये कॉर्नफ्लोर है, 2 बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये 2 बड़े चम्मच से लगभग हमने गाजर को भी ग्रेट करके लिया है। और ये नमक, टेस्ट के अनुसार नमक। ये हमने मैदा और पानी का इस तरह से गाढ़ा बैटर बना के रखा है। ये धनिया पत्ता है, ये चिली फ्लेक्स है और ये हरी मिर्च है, इसे हमने बारीक कट कर लिया है। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बाउल लेंगे, बाउल में चीज को डालेंगे। अब हम इसमें ये ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चे भी काफी पसंद करते हैं। इसमें ये ग्रेटेड हमने जो गाजर रखा है उसे ऐड करेंगे। ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा अभी डालेंगे और बाकी बाद में ऐड करेंगे। अगर इतना में बाइंड हो जाएगा तो फिर आगे नहीं डालेंगे। ये टेस्ट के अनुसार नमक, चीज में भी नमक होता है, इसके लिए उसी हिसाब से आप डालिए। ये हरी मिर्च, ये धनिया पत्ता, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। ये चिली फ्लेक्स, इन सबको एक अच्छा सा डो नुमा तैयार कर लेंगे मिक्स करके। इस तरह से हमने डो को तैयार कर लिया, सबको अच्छे से मिक्स करके। इसमें और कॉर्नफ्लोर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हाथ में इस तरह से ऑयल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इस तरह का हम एक रोल सा तैयार करेंगे, जो कि हम सीट पे इस तरह से रोल को बना बना करके रख लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह से सारे डो को हम रोल के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने सारे रोल तैयार कर लिए। अब हम एक सीट लेंगे, इस पे इस तरह से हम रखेंगे सीट को और इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे। एक टुकड़े में बहुत बड़ा हो जाएगा ये, इसके लिए हम इसे स्टार्टिंग में ही 2 टुकड़े करेंगे इस तरह से। और ये घोल लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे इस तरह से। और एक रोल लेंगे, इसको लेने के बाद आराम से इस तरह से हम रोल तैयार कर लेंगे और इसको भी ऐसे हम पुश कर देंगे तो ये सील हो जाएगा अच्छे से दोनों तरफ से। अगर नहीं होता है तो फिर इसमें थोड़ा सा और अप्लाई कीजिए इस तरह से, और इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे तैयार कर लेते हैं, पूरे जितने भी हैं। इस तरह से हमने सारे रोल तैयार कर लिए और अभी ऑयल भी इधर अच्छा गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम इसमें डालेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे।
ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। इसे हाई फ्लेम में नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है हमें। ये काफी अच्छा सा कलर आ गया है, इसे हम एक जमन पेपर पे निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा पूरा इस तरह से। देखिए बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हो गया। ये ओपन होने के वजह से ये इस तरह से निकल गया है फिलिंग। गैस बंद कर देते हैं और आपको हम डिस्प्ले करके दिखाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छा सिगार बन करके रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छा बना है ये, आप जरूर ट्राई कीजिए।